तो गाइस नमस्कार प्रणाम, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और फिर आ गया आप लोग बीच में एक न्यू वीडियो लेकर। आप लोग मेरी वीडियो में बने रहिए और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब लाइक फॉलो करिए। और मैं दिखाता हूँ आपको बीच की वीडियो में, आप लोग मेरे बने रहिए। इधर का सीवान दिखा रहे हैं अभी, इधर बाबा है, देखो क्या कर रहे हैं। इसको हम लोग ढूंढ रहे थे अभी, इसमें अंदर जानवर ना अंदर आ जाए। और इधर मंदिर है, तो कितना मैदान दिख रहा है आप लोग, कितना मैदान है। अभी ले चलेंगे उधर भी, तो कितना अच्छा लग रहा है लुक। और बाबा हो गया? ओ ठीक हो गया। और कुछ करना है? हमें किचन में चलो ये जारी देख देख। और कुछ करना है? हाँ अभी तो कुछ नहीं करना है। अच्छा बांधना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा। देखिए बाबा इधर बांध रहे हैं। हाँ बांधना पड़ेगा। चलिए ठीक है, रहेगा। तो दोस्तों इसको हम लोग गेट लगा रहे हैं ताकि अंदर जानवर ना आए। कोई भी जानवर आएंगे तो पेड़ लगे हैं तो पेड़ों सब काट के खा जाएंगे, तो सब बेकार हो जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा। तो बिले चलते हैं इधर घुमाने के लिए आपको। इधर मैं दिखाता हूँ टांगा मेरे यहाँ बना है और हम लोग इसे पानी पीते हैं। कितना कितना अच्छा लग रहा है इधर, देखो कितना मस्त। पहली बार इधर देखो कितनी खुली खुली मैदान, देखो पूरा एकदम मस्त है। अब मैं इधर मशीन लेके आया था, पूरा खड्डे मार दे, पूरा एकदम मिट्टी उठाया था, रोड भी डाले थे। और आप लोग देख सकते हैं इधर ये टाका बना हुआ है, यहाँ से पानी हम लोग निकालते हैं। पानी पानी थोड़ा भरा भरा पड़ा है, तो देख सकते हैं पानी पूरा भरा पड़ा है। पूरा कितना अच्छा मैदान दिख रहा है, बहुत अच्छा मैदान है। मौसम भी बहुत बेहतरीन, देखो मौसम कैसा है, तो बहुत मस्त लग रहा है मौसम। देखो आप लोग देख सकते हैं मौसम कितना बेहतरीन बना है। ये टाँका बना कम से कम 10 फुट से, 10 फुट है टाँका, 10 फुट ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। और मैं भी उधर भी ले चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ उधर का क्या इलाका कैसा है। दोस्तों देखिए इधर का इलाका, ये मंदिर है, मंदिर पहाड़ बना है। ये मंदिर आप लोग देख सकते हैं वीडियो में, ये मंदिर पहाड़ में बना हुआ है। तो गाइस आपको दिखाते हैं, इधर में लेके आया था मशीन, ये पूरा निकाल के और इसको रोड में डाला था, क्योंकि बारिश के मौसम में रोड ख़राब हो जाते हैं, इसकी वजह से डालना पड़ रहा है इसे उठा के। और इधर आप लोग देख सकते हैं कि मंदिर है, इधर चलेंगे मंदिर में, आपको दर्शन कराएंगे मंदिर में, ठीक है। मेरी वीडियो बने रही है। और इधर दिखाते हैं आपको बाघ, छोटा सा बाघ है इधर लोग, क्योंकि इधर बहुत बड़ा मैदान रहता है, इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ मेला लगता है। तो गाइस देखिए हम फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं और दिखाते हैं, इधर रूम बना हुआ है, इधर फिलहाल कोई रहता नहीं, इधर देखो इधर रूम बना हुआ था, इधर कोई नहीं रहता था, इसलिए रोक लगा दिया गया है ताकि अंदर कोई जानवर ना जाए, क्योंकि इधर जानवर बहुत है ना, गाय हैं, भैंस है, और प्लस वो और जानवर है हमारे यहाँ, तो इधर हुए हैं, तो बहुत लगाए हैं गेट लगा ताकि कोई जानवर अंदर ना आए। दिखाते हैं रूम आपको, देखिए ताला लगा इसमें है, ताला लग गया इस रूम में है। और मंदिर में जो मतलब जो आता है दूर से तो उसको ठहरने के लिए बनाया गया है, तो और मंदिर उधर उस साइड में है। और यहाँ पे चापाकल भी है, देखो दिखाते हैं कि यहाँ सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे यह है कि यहाँ पे देखो कितना मैदान है, कितना अच्छा लग रहा है इधर, देखो आराम से आओ खुले खुले में घूमो टहलो, अब बढ़िया एकदम। अब वीडियो बनाना है तो वीडियो बना सकते हो, कुछ भी करो, मतलब पूरा खुला हुआ है, मतलब कोई रोक टोक नहीं, रोक टोक है या कोई और है। इधर देखो ये बाघ है, गर्मी मौसम आप यहाँ पे छांस कर सकते हो, खाट लगा लेट सकते हो, ऐसे पेड़ हैं देखो लगा हुआ, देखो पूरा बाग है, तो इधर आके आप आराम भी कर सकते हो, मतलब धूप लगती जाता तो दोपहर में, तो इसके लिए यहाँ पे आप आराम कर सकते हो, बाग में ये पेड़ लगा हुआ है। और चलते इधर आपको लेके, वो देखो चापू चापाकल, देखो दिख रहा है आपको चापाकल, चापाकल यहाँ पे चापाकल आपको हर जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि इसलिए नहीं मिलेगा कि इधर जो है पानी कम से कम 1000 फुट गहरा है, 1000-2000, और उसमें क्या कि पथरीली जमीन है, इसमें क्या कि कम से कम बोर करने में हमको 1 लाख रुपए इधर लगेगा, 1 लाख रुपए। अगर पानी आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर तुम्हारा पैसा गया 1 लाख रुपए। तो इसलिए आदमी यहाँ नहीं करवाता, क्योंकि मंदिर है, फिर भी यहाँ पे हुआ है, शायद पानी नहीं निकल रहा, हमें लग रहा खत्म हो गया लगता पानी, तो पानी नहीं आ रहा वहाँ पे। और दिखाते हैं इधर आप ले सके, इधर बोर करवाने बहुत महंगा पड़ता भाई, अपने यहाँ के आगे बस 2-4 हज़ार 5 हज़ार में करके बोर अपना क्लियर कर लो, ठीक है पानी पीने के लिए आ जाएगा। लेकिन इधर क्या है, आप बोर कराओगे अगर पानी निकला तो ठीक है, नहीं निकला तो फिर तुम्हारा 1 लाख रुपए गए।
क्योंकि भाई जनरेटर चलता है, जनरेटर से अगर चलेगा तो लास्ट में क्या होगा कि भाई आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर तुम्हारा पैसा डूब गया। तो वही सब बात है कि भाई वो इंजन चलता है, इंजन में तेल चाहिए, तेल वो लगता है, तो इसीलिए भाई पैसा हमको चाहिए चाहिए। और इधर दिखाते हैं, ये मंदिर देखो आप लोग, दिख रहा होगा मंदिर, कितना अच्छा लग रहा है मंदिर, दिख रहा लुक बहुत ब्यूटीफुल है। इधर घूमने के लिए आया, और इधर आते हैं लोग दर्शन करने आते हैं इधर, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना मस्त लग रहा है। फिर अच्छा ना, पूरा मैदान ही मैदान, आप कहीं भी देखोगे तो पूरा मैदान ही मैदान ही मिलेगा आपको। देखिए पूरा मैदान, पूरा देखो मंदिर, ये पूरा पहाड़ के ऊपर लगा हुआ है, देखो पूरा पहाड़ के ऊपर लगा हुआ है। तो गाइज नमस्कार, मैं फिर आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, और जय हिंद। और आप लोग मेरी वीडियो को इसी तरह, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब के लिए लाइक कर लिया, और मेरे चैनल को इसी तरह प्यार दिला देते रहिए।